दोस्तों, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अब खतरनाक रूप ले चुका है। इसका असर भारत में भी देखने लगा है। मुंबई, गुजरात और केरल के किनारे समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रहे हैं। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी होने लगी है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगहों से तूफान बन रहे हैं और ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान विकराल रूप लेता दिख रहा है। आइए जानते हैं कि चक्रवाती तूफान का नाम बिपरजॉय कैसे पड़ा और किस देश ने इसका नाम दिया है। दोस्तों, आज हम आपको फिर से गजब की जानकारी देंगे। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो ऑलवेज आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चक्रवाती तूफान का नाम बड़े ही विचित्र है। इस चक्रवाती तूफान को बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने दिया है, जिसका अर्थ होता है विनाश। दोस्तों, चक्रवात तूफान के बारे में भविष्यवाणी और भ्रम की स्थिति से बचने के लिए चक्रवाती का नाम दिया जाता है। एक समय में एक से ज़्यादा चक्रवाती तूफान उठ सकते हैं, तो चक्रवाती का नाम पता रहने पर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। बता दें कि चक्रवाती का नाम ज़्यादातर उन क्षेत्रों के नाम पर रखा जाता है जहाँ से चक्रवात बनते हैं। ये ज़्यादातर समुन्दर या नदी के क्षेत्र से बनते हैं। समुद्र जल का तापमान बढ़ने पर इसके ऊपर मौजूद हवा गर्म हो जाती है या ऊपर की ओर उठने लगती है, तो उस जगह कम दबाव का क्षेत्र बनने लगता है। इसे भरने के लिए पास की ठंडी हवा कम दबाव वाले जगह की ओर बढ़ने लगती है। गर्म हवा और ठंडी हवाओं के मिलने से तूफान का जन्म होता है। यही तूफान तेज हवाओं के साथ बारिश भी लाता है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि चक्रवात बिपरजॉय धीरे धीरे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा में बढ़ रही है। बता दें कि केरल, मुंबई और गुजरात के समुद्र तटों पर ऊंची लहरें उठ रही है। दोस्तों, मौसम अधिकारियों ने बताया है कि बिपरजॉय के बहुत प्रचंड चक्रवाती तूफान के रूप में सौराष्ट्र कच्छ के तटीय क्षेत्र में दस्तक देने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर गुजरात उत्तरी और दक्षिण तटीय क्षेत्र में मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। देवभूमि द्वारका में अधिकारियों ने बताया है कि अब तक करीब 1300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दोस्तों, आशा है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।